केंद्र सरकार की ओर से CAA नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साल 2019 में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून बिल के विरोध में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात हुए थे। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से CAA नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर राजधानी लखनऊ में भी पुलिस ने जगह जगह फूट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर SB शिरकर ने बताया कि CAA नोटिफिकेशन और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस की टीम संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है। सभी धर्म गुरुओं और आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए जाने की अपील की जा रही है। वहीं चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, भड़काव, आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर लखनऊ पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज से चांद दिखने के कारण कल से रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो रहा है, तो लखनऊ पुलिस की तैयारियां पहले से चल रही थी क्योंकि एक त्यौहार शुरू हो रहा है और हम लोग शुरू से गश्त कर रहे थे, सबसे संवाद कर रहे थे धर्मगुरुओं से। होली का त्यौहार भी इसी दौरान है तो हमारी सभी धर्मगुरुओं से बात हो रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी जो सतर्कता है वो बढ़ाई गई है और हम ये अपना प्रयास रखेंगे कि सभी वर्गों के लोगों से बात हो और सभी त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से किए जाए। अगर किसी को कोई आज की इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर ये आपत्ति है तो उनको उनसे भी अनुरोध किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था जो है वो अक्षुण हो जाए। सर, 2019 में इसी जगह पे मासिक प्रोटेस्ट हुआ था, कई और इलाकों में लखनऊ पे हुआ था, तो पश्चिमी लखनऊ के लिए क्या कुछ खास का प्लान तैयार किया गया है? सभी लोगों से संवाद जो जो सरकार की अपेक्षा है उसके अनुसार हो रहा है, सभी लोगों से बात हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी तैयारी के अनुसार हम सकुशल तरीके से सारे त्यौहार और ये जो ओकेजन है इसको भी संपन्न करेंगे। सर, सोशल मीडिया पर फेक मैसेजेस को लेकर क्या विशेष तैयारी की गई है? हमारा सोशल मीडिया जो यूनिट है वो निरंतर इसकी मॉनिटरिंग करता रहता है और जैसा मैंने आपसे कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है उसके लिए भी हम तैयार हैं और ये निरंतर मॉनिटरिंग रहेगी। आज का एक ओकेजन अलग है लेकिन हम निरंतर इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे और ये हमारी प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। जो भी भ्रामक सूचनाएं फैलाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम सबसे अपील भी करते हैं कि कोई भी भ्रामक सूचनाएं इस तरह से ना फैलाएं जिसकी वजह से किसी को दिक्कत हो और हम आश्वस्त करते हैं लखनऊ की जनता को कि हम सकुशल तरीके से इसको संपन्न कराएँ। ठीक है।